तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये फ्लफी और सॉफ्ट सा स्पॉन्ज, जिसको मैंने किस तरह से बनाया आइए आज की वीडियो में चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया अपना सारा सामान जिससे मैं बनाने वाली हूँ। ये मेरा है हैंड मिक्सर, जिसको हैंड बीटर भी बोलते हैं, और ये मैंने बाउल लिया जिसमें हम अपना बैटर बनाएंगे। ये है हमारा टिन जिसको मोल्ड कहते हैं, और ये मैंने हाइटेड लिया है। मैं हाइटेड मोल्ड इसलिए लेती हूँ, इससे ना केक को बहुत ही अच्छी हाइट मिलती है हाइटेड केक बनाने से। आपने देखा होगा, आप अगर कम हाइट का मोल्ड लेते हो उसमें इतनी हाइट नहीं आती, लेकिन हाइटेड में अच्छे से हाइट आती है। तो ये है हमारा प्रीमिक्स, और ये मेरा है मेजरिंग कप जिसमें आप देख सकते हो मैदा और राइस और बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, इसमें ग्राम्स भी लिखे रहते हैं, बहुत ईजी हो जाता है। ये वाटर लिया है मैंने, ये है पाइनएप्पल एसेंस जिससे हमारे स्पॉन्ज में और क्रीम में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे ऑयल है और ये स्पैचुला है। तो यहाँ पर मैंने अब जो प्रीमिक्स लिया है वो एगलेस है, और ये अलाना का प्रीमिक्स है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जैसा कि मैं बोलती भी हूँ कि मैं हमेशा 200 ग्राम से हाफ के जी के लिए ज्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेड ज्यादा पसंद आती है, क्रीम ज्यादा इतनी नहीं, लोगों को भी नहीं पसंद आती, तो मैं उतनी डालती ही नहीं हूँ। तो मुझे कमेंट आया था इसकी शॉर्ट्स में कि इसको बीट करने से ये ओवर बीट तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये ओवर बीट नहीं होगा, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा बीट ना हो। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो मुझे ना डस्ट से एलर्जी है, तो मैं इसको हमेशा वाटर डाल के इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये उड़े ना। अगर ये मेरी नाक में जाता है तो फिर मुझे ना जुकाम होना जरूरी है, मतलब। तो मैं अपने लिए इस तरह से करती हूँ, बट आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बीट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैंने 2 की स्पीड रखी है। जब आप फर्स्ट टाइम में करोगे तो 1 मिनट करने के बाद में आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना नीचे से, क्योंकि आप जितना भी करो आप देख रहे हो ना साइड्स में कैसे रख जाता है, नीचे भी रह जाता है। तो आपको स्पैचुला से क्लीन करना है, फिर उसके बाद में वाटर डाल करके 2 मिनट्स के लिए आपको फिर से बीट करना है। लेकिन मैं वाटर की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मैं सारी चीज की क्वांटिटी दे दूंगी और किस तरह से क्या चीज मैंने यूज करी ये भी मैं दे दूंगी, आप वहां पर चेक कर सकते हो। जब तक इसकी रिबन कंसिस्टेंसी ना आ जाए तो आपको बीट करते रहना है, और वाटर भी डालना है, इसको ज्यादा थिक नहीं रखना, वरना आपका स्पॉन्ज है वो अच्छे से बीट नहीं, सॉरी स्पॉन्ज अच्छे से राइज नहीं होगा और टाइट रह जाएगा। फिर जब आपका 2 मिनट्स हो जाए उसके बाद में आपको एसेंस और 1 टीस्पून ऑयल डालना है, फिर मिक्स करना है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ऑयल और एसेंस अच्छे से आपके बैटर में मिक्स हो जाए। फिर आपको कुछ भी नहीं करना, इसको बस आपको मोल्ड में ट्रांसफर करना है। तो आपको मोल्ड में इस तरह से ट्रांसफर करना है कि आपका कुछ भी बैटर बोल में ना रह जाए, अच्छे से क्लीन करके आप इसमें डाल लीजिएगा मोल्ड में। फिर उसमें आपको मोल्ड में डालने के बाद में अच्छे से टैप करना है ताकि कोई भी एयर बबल्स आपके बैटर में ना रह जाए, जिससे कि आपके केक में वो जो होल्स दिखते हैं ना वो हो जाए, और इवन आपका बेक भी ना हो। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड रखा अपने ओटीजी में, जो कि 10 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था। उसके बाद में मैंने इसको उसमें रखा, लोअर रॉड ऑन करी है 180 डिग्री पे, मैंने 35 मिनट्स के लिए बेक किया था। आप टेम्परेचर अपना देख लेना ओटीजी या माइक्रोवेव का जिसमें बनाते हो, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितनी अच्छी हाइट आई है ना मेरे केक की। तो आप इसी तरह से बनाओगे तो बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज बना पाओगे। जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं स्क्रैच से जरूर आपको बना करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अभी का अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।